ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस, टुडेज टॉपिक ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस। इसमें क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होता है जो रिसेंट स्ट्रेप इन्फेक्शन करते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई जो भी इन्फेक्शन होता है वे क्या करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होता है ग्लोमेरुला के अंदर, वो जो कोजिंग करते हैं, इन्फ्लामेशन करते हैं और डिक्रीज करते हैं जो ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस रेट को, जिसको कहते हैं हम ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस। हेडेक होता है इसमें, इंक्रीज बीपी होती है, फेशियल एंड इरिटेबल एडिमा होता है, लेथार्जिक होता है, लो ग्रेड फीवर होता है, वेट गेन होता है, प्रोटीनूरिया, हेमेचूरिया, ओलिगूरिया एंड डाइसूरिया कंडीशन डेवलप होती है। नेक्स्ट है रिव्यू ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के बारे में पढ़ते हैं, नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन इज ए एनाटॉमिकल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन है जो एक एनाटॉमिकल और फंक्शन जो किडनी को, किडनी का होता है, जो कि किडनी के फंक्शंस और उसकी एनाटॉमिकल डिपेंड करता है। देयर आर अबाउट 1 बिलियन नेफ्रॉन्स ईच किडनी। हर प्रत्येक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। द नेफ्रॉन कंसिस्ट ट्यूबल क्लोज एट वन एंड द अदर ओपनिंग ऑफ कनेक्टिंग ट्यूबल। द क्लोज इंडिनेट टू कप सप्ट ग्लोमेरुलर कैप्सूल, इसको बोलते हैं बाउमेन कैप्सूल्स। इट इज ऑलमोस्ट इनक्लोज ऑफ नेटवर्क सी आर्टेरियल कैपिलरीज। द ग्लोमेरुलस कंटिन्यू फ्रॉम द ग्लोमेरुलर कैप्सूल्स द रिमाइंडर ऑफ नेफ्रॉन अबाउट 3 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट हैज 3 पार्ट्स, प्रॉक्सिमल लूप हेवन्स एंड डायस्टल कन्वर्टिंग ट्यूबल। 3 टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन, पहली मेम्ब्रेन एंडोथीलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एपिथीलियम। देर आर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन ऑफ द ग्लोमेरुलस। द नर्व सप्लाई टू द किडनी कंस्टिट्यूट सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक नर्व। द प्रिंस ऑफ बोथ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, कंस्ट्रेबल रीनल ब्लड फ्लो प्रेशर। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस थ्रो द मेम्ब्रेन ऑफ ग्लोमेरुलस। वाटर एंड अदर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पासेस थ्रो, ऑल्सो सम रीअब्सॉर्ब लेटर। ब्लड सेल्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड अदर लार्ज मॉलिक्यूल्स आर अनेबल टू फिल्टर थ्रो द रिमेन इन द कैपिलरीज। द वॉल्यूम ऑफ फिल्टर्स फॉर्म बाय बोथ किडनी इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। द नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज 125 ml पर मिनट और 180 लीटर पर डे के हिसाब से। मोस्ट ऑफ फिल्टर रिजॉल्व अबाउट 1.5 ml फ्लूइड इन एक्सक्रीट पर मिनट एज यूरिन। टाइप्स ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो कि बिगैन सडनली होता है, क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस डेवलप होता है ग्रेजुअली ओवर सीवरेज कुछ सालों में। अब डेफिनेशन लेते हैं पहले एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लोमेरुलाई ऑफ बोथ किडनीज कॉज्ड बाय एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन विद रेस्पेक्ट स्ट्रेप्टोकोकाई विच प्रोड्यूस डैमेज ऑफ ग्लोमेरुलाई। द फिल्ट्रेशन बेड ऑफ द किडनी कैरेक्टराइज बाय डिक्रीज इन द ग्लो फिल्ट्रेशन रेट। रिकमेंडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्ट वाटर एंड अदर नाइट्रोजीनियस वॉश्ड इनटू द बॉडी। कॉज देयर इनिशियल यूआरटी और स्किन इन्फेक्शन यूजली 1 to 3 weeks बिफोर द ऑनसेट सिम्टम। द मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉमनेस्ट कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज ग्रुप बेटा इम्यूनिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। पैथोफिजियोलॉजी, द स्ट्रेप्टोकोकाई इन्फेक्शन आर थ्रोट और एल्सवेयर फ्रॉम बॉडी अटैक्स द इम्यून सिस्टम। द इम्यून प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन। द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन टेक्स प्लेस द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। इट गैस ट्रैप्ड इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन ग्लोमेरुलस। इट कॉम्प्लेक्स कॉम्बाइंस विद कॉम्पोनेंट एंजाइम। डिस्टिफिकेशन ऑफ सेल अकर्स, inflammations inflammatory occurs in glomerulus, decrease the GFR, decrease permeability glomerulus walls, edema, hemorrhagia, microscopic hematuria. Pathogenesis, infection of streptococci, immune complex antigen, activations of component of recurrent of leukocytes. Then inflammation modulates cytokines, yani proliferative F. Proliferation hota hai MC and BC ka, yani जो मेसमेंट सेल्स है, जो मैसेंजर सेल्स है और इंडोथेलियम सेल्स है उनका। उसके बाद ब्लॉकेज होती है रीनल कैपिलरीज एंड डिक्रीज GFR, यानी जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो कम हो जाती है। उसके बाद ओलिगूरिया, सोडियम और वाटर रिटेंशन हो जाता है या हाइपरवॉल्यूमिया हो जाता है। एडिमा, हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर एंड सेपेरियर और रीनल फेलियर कंडीशन डेवलप होती है। देन इसमें GBM डैमेज हो जाती है, ब्लड इरिटेशन डैमेज होता है। GBM यानी जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है जो रिजल्ट इंजरी करती है स्मॉल ब्लड वेसल्स को, कैपिलरीज को, किडनी के अंदर और लंग्स में, और हेमेचूरिया, प्रोटीनूरिया और RBC कास्ट हो जाती है। अब एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फीवर, चिल्स, वीकनेस, जनरल एडिमा, वेट गेन, हेडेक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस क्या होता है, नोजिया होती है, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया,
एसाइटिस एब्डोमिनल पेन, कार्डिक डिस्टीब्यूशन में पुलमोरी एडिमा CCF, ऑप्थाल्मिक डिस्टीब्यूशन में विजुअल एक्यूटी इज रिड्यूस्ड, रीनल डिस्टीब्यूशन प्रोटीन यूरिया ओलिग्यूरिया हेमेचूरिया HTN डिक्रीज pH ऑफ यूरिन। डायग्नोस्टिक इवेलुएशन फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, ऑब्जेक्शन ऑफ चाइल्ड, ऑब्जेक्शन एडिमा फेस, पेरियोटोबैटल एरिया ओवर फिट, ऑब्जेक्शन ऑफ ओलिग्यूरिया एनुरिया एंड हेमेचूरिया, ऑब्जेक्शन ऑफ एनी विजुअल इंपेयरमेंट ड्यू टू इरिटेशन एडिमा, मॉनिटर BP एंड एविडेंस ऑफ HTN, ऑब्जर्वेशन ऑफ एनी रेस्पिरेटरी डिस्फंक्शन। यूरिन एलास्टिक शो ए 1+ एंड 2+ प्रोटीन, देर आर RBC WBC कास्ट इज इंडिकेट इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई, ब्लड एनालिसिस ESR एलिवेटेड, देर इज नॉर्मोसाइटिक एनीमिया ड्यू टू हीमोडायल्यूशन, द ब्लड लेवल इज यूरिया क्रिएटिनिन एलिवेटेड, सोडियम पोटेशियम सोडियम इज एलिवेटेड, ओलिग्यूरिया कुटेनियस। एक्सरे शो प्रोमिनेंट वैस्कुलर मार्किंग ड्यू टू हाइपरवोलेमिया, थ्रोट स्वैब कल्चर विच मे बी शो हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल ऑर्गेनिज्म इंक्रीज एंटी स्ट्रेप्टोसिन टाइट्रेट, बायोप्सी किडनी बायोप्सी सीरम कंपोनेंट लेवल इज डिक्रीज। डिफरेंशियल डायग्नोसिस हाइपरसेंसिटिव रिएक्शंस हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम SLE नेफ्रोटिक सिंड्रोम। कॉम्प्लिकेशन क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर पुलमोनरी एडिमा रीनल फेलियर एनसेफेलोपैथी। मेडिकल मैनेजमेंट बेड रेस्ट एंटीबायोटिक्स हाइपरसेंसिटिव डाइट रिटेंशन ऑफ फ्लूइड वेट मॉनिटरिंग ड्यूरेटिक्स RX प्रोलॉन्ग्ड ओलिगुरिया। क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इट इज ए सेकेंड टाइप्स ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इट इज ए एडवांस यूनिवर्सल अमाउंट रीनल फंक्शन विदाउट सिम्टम, इट मे बी डेवलप प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिजीज, इट मे बी अकर सेकेंडरी इज SLE ड्रग इंड्यूस नेफ्रोटोमी एंड पोलीनेफ्राइटिस पोलीआर्थराइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नॉन प्रोलीफेरेटिव एंड प्रोलीफेरेटिव, नॉन प्रोलीफेरेटिव में मिनिमम चेंज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और फिकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। IgA नेफ्रोटोपैथी मेम्ब्रेन नेफ्रोफिल्ट्रेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, देन पास्ट इन्फेक्शन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में उसके बाद में जो है रैपिडली प्रोग्रेसिव है वो विस्यूटिक गुड पोस्चर सिंड्रोम एंड पैसेंजर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड माइक्रोस्कोपिक पोलीजाइटिस। अब इट इज फैक्टर रिपीटेड अटैक ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई SLE ड्रग इंड्यूस्ड नेफ्रोटोमी थिकिंग ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन ग्लोमेरुलोसाइक्लोसिस एंड पोलीआर्थराइटिस। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस CGN ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर डिफ्यूज थिंकिंग ऑफ ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस टैक्स पैलेस डिपोजिशन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन कंपोनेंट एंड फाइब्रिन इट लेट स्टेज ग्लोमेरुलर बिकम स्क्लेरोसिस ट्यूब इंटरस्टिशियल एंड वैस्कुलर चेंज स्पेशली हाइपरटेंसिव आईज किडनी हाई ब्लड प्रेशर कंजक्टिवाइटिस हो जाता है किडनी डिजीज में ओलिग्यूरिया प्रोटीनूरिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स मोनोनेफ्राइटिस मल्टीप्लेक्स नेल डिस्कलेशन ऑफ नेल क्लिनिकल सिम्टम द क्लिनिकल सिम्टम मे बी डायग्नोस ड्यूरिंग एक्सीडेंटल ऑफ एरियन एग्जामिनेशन द एसेंशियल फीचर ऑफ इंक्लूड एडिमा सीवर हाइपरटेंशन एमेचूरिया एनीमिया नॉक्टूरिया बोन पेन बोन डिफर्मिटी फेलियर ऑफ थाई। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन यूरिन एनालिसिस इट शो 1+2, 2+ प्रोटीन, देर आर RBC WBC कास्ट विच इंडिकेट इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई, ब्लड एनालिसिस ESR एलिवेटेड, देर आर नॉर्मोसाइटिक एनीमिया ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, द ब्लड लेवल इज यूरिया क्रिएटिन इज एलिवेटेड, सीरम पोटेशियम एंड सोडियम एलिवेटेड इज ओलिगुरिया कंटिन्यूस। एक्सरे शो प्रोमिनेंट वैस्कुलर मार्किंग ड्यू टू हाइपरवोलेमिया, थ्रोट स्वैब कल्चर विच मे शो हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल ऑर्गेनिज्म इंक्रीज एंटी स्ट्रेप्टोसिन टाइटर, बायोप्सी किडनी बायोप्सी सीरम कंपोनेंट लेवल इज डिक्रीज। मैनेजमेंट नॉन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट स्टेरॉइड एंड अदर इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स आर हेल्पफुल, एंटीबायोटिक्स एंटी हाइपरटेंसिव सिम्पेटिक एंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट प्रोवाइडिंग केयर ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन मेंटेन फ्रॉम फ्लूइड बैलेंस असेसिंग एडिमा प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन डाइट प्रिवेंशन इन्फेक्शन इमोशनल साइकोलॉजिकल सपोर्ट लोकेशन ऑफ फैमिली। नर्सिंग डायग्नोसिस हेमेचूरिया राइट डिसफंक्शन ऑफ ग्रूमेट ड्यू टू इन्फेक्शंस अल्ट्रेशन इन बॉडी टेम्परेचर राइट इन्फेक्शंस एक्टिविटी
क्लीयरेंस राइट एडिमा सॉरी फ्लूड वॉल्यूम एक्सेस राइट ग्लोमेरुलर डिसफंक्शन डिस्टॉर्शन बॉडी इमेज राइट फिजियोलॉजिकल चेंजेस सेकेंडरी एडिमा इम्पेयर्ड न्यूट्रिशन इंटरेस्ट लॉस ऑफ बॉडी रिक्वायरमेंट रिस्क ऑफ इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी राइट एडिमा थैंक यू दिस टॉपिक इज कंप्लीट ग्लोमेरुलर नेफ्रिटिस एक्यूट एंड क्रॉनिक